दोस्तों, बड़े मियाँ छोटे मियाँ बॉलीवुड की हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है। फिल्म का टीजर 24 जनवरी को पूजा एंटरटेनमेंट द्वारा रिलीज की गई है। इसके डायरेक्टर हैं अली अब्बास, पृथ्वीराज, सोनाक्षी सिन्हा, मानुषी छिल्लर और रोनित रॉय के साथ अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ, ये सभी बड़े कलाकार इस फिल्म के मेन भूमिका में हैं। फिल्म के टीजर में कुछ बात नोटिस करने वाली है, जैसा कि अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ दोनों एक साथ टीजर में फाइटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका दुश्मन कौन है ये हमें नहीं पता, लेकिन एक सीन में बैकग्राउंड की आवाज सुनाई दे रही है जो पृथ्वीराज की है, यानी इस फिल्म के मेन विलन पृथ्वीराज है और मास्क वाला बंदा भी पृथ्वीराज ही है, क्योंकि एक फिल्म में दो हीरो कंफर्म हो चुके हैं, अब तीसरा हीरो थोड़ी जन्म लेगा। फिल्म के पूरे टीजर में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच लड़ाई का माहौल चल रहा है और छोटे मियाँ और बड़े मियाँ के किरदार में टाइगर और अक्षय दोनों ही कमाल लग रहे हैं। इन दोनों की फिल्में आजकल बॉलीवुड में वह कमाल नहीं दिखा पा रही है जो शाहरुख खान दिखा रहे हैं, पर अब देखना यह है कि यह दोनों मिलकर कितना कमाल कर पाते हैं। वैसे फिल्म का डेट अभी फिक्स नहीं किया गया है, हो सकता है इसके आसपास की और कोई फिल्में इसके टक्कर की ना हो तो ईद के मौके पर ही रिलीज होगी, नहीं तो डेट आगे भी खिसक सकता है। जैसा कि टीजर की शुरुआत में हेलीकॉप्टर को दिखाया गया है जो एक हिंदुस्तानी सैनिक लगातार पाकिस्तान के लोगों पर हमला कर रहा है। अगले सीन में महाप्रलय पृथ्वीराज को दिखाया जाता है जो फेस पर मास्क लगाए हिंदुस्तान को खत्म करने की बात करता है। इसी बीच कहीं कहीं VFX सीन को भी दिखाया गया है जो ऐसा लगता है कि फिल्म में थोड़ा AI रोबोट की जर्नी भी दिखाई देगी जो उसका पूरा कंट्रोल पृथ्वीराज के हाथों में होगा। टीजर में जितना दमदार हीरो को दिखाया गया है उतना ही दमदार विलन को। जहां छोटे मियाँ के किरदार में टाइगर श्रॉफ और बड़े मियाँ के किरदार में अक्षय कुमार होने वाले हैं, लेकिन अब्बास भाई लगता है VFX दिखाने के चक्कर में हीरोइन को ही दिखाना भूल गए। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।